हाय गाइस नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स कंटिन्यू द सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, है ना। इसको हम कंटिन्यू करते हैं, जो आपको प्रीवियस वीडियो में जहां तक पढ़ाए थे वहां से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यहां पर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट। तो मैंने मान लिया इनपुट आपका इम्पल्स फंक्शन है। इम्पल्स फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म की आरएस का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, है ना। तो सी ऑफ एस कितना हो जाएगा, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। सो दिस इज ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन, अब इसको क्या किए हम, जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर ऐड किए और जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर। सो ओमेगा डी कितना है, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे इसको हम, डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। चलिए अब इसका हम निकालना है इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए क्या किया हम, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन ओमेगा डी से मल्टीप्लाई कर दिए, ओमेगा डी से डिवाइड कर दिए। जब इसको हम पुट पट किए तो ये आ गया आपका सी टी इक्वल टू ओमेगा एन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी टी। अब देखिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, आपको पता है साइनसोइडल फंक्शंस का ग्राफ कैसा होता है, आपका आपका ऑसिलेट करेगा और एक्सपोनेंशियल का क्या होगा, डिकेइंग फंक्शन। जैसे यहां पर देखिए ये डिकेइंग फंक्शन और इसको जो है साइनसोइडल को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिके तो करेगा लेकिन ऑसिलेशन मारता हुआ डिके करेगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स फॉर अंडर डैम्प सिस्टम। किसकी बात कर रहे हैं हम, अंडर डैम्प्ड। ये अंडर डैम्प सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स का ग्राफ है, यूनिट स्टेप का भी नहीं, आगे हम पढ़ाएंगे यूनिट स्टेप का। अब देखते हैं कि ओवर डैम्प्ड या क्रिटिकल डैम्प्ड या अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए कैसा होगा, क्लियर है ना। इंपल्स रिस्पॉन्स फॉर द अनडैम्प्ड सिस्टम, अनडैम्प्ड मतलब जीटा का वैल्यू कितना, 0 पुट कर दीजिए, ये आ गया आपका ओमेगा एन साइन ओमेगा एन टी, ऑसिलेट करता हुआ जाएगा, क्लियर है क्या। अब हम आगे देखेंगे कि भैया अगर जीटा का वैल्यू 1 है तो क्या होगा, जीटा का वैल्यू 1 कर दिए तो ये इक्वेशंस क्या बन जाएगा आपका, 2 ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, मतलब ये क्या बन जाएगा आपका, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। तो सी टी क्या हो जाएगा, देखिए तो सी टी जो बनेगा आपका, सी टी इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर टी इंटू एच टू पावर माइनस ओमेगा एन इंटू टी, राइट। अब देखिए टी क्या है, रैम फंक्शन है, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शंस है, क्लियर है क्या। इनिशियल में स्टार्टिंग में थोड़ा सा आगे मारेगा फिर वो आपका डिके करता हुआ जाएगा 0, मतलब दिस इज द ग्राफ ऑफ सी ऑफ टी फॉर टी टेंडिंग टू इनफिनिट, क्लियर है, दिस इज टी इक्वल टू 0। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ क्रिटिकल डैम सिस्टम। किसकी बात कर रहे हैं, ये क्रिटिकल डैम, सुधार लीजिए इसको, ये बन जाएगा आपका क्रिटिकल डैम सिस्टम, क्लियर, क्रिटिकल डैम। अब ये इंपल्स रिस्पॉन्स के जो क्वेश्चन है इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन जो आपका आएगा यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स का आएगा। तो यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स का हम अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम अगला देखेंगे यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। नाउ यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ अंडर डैम सिस्टम, सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का, अंडर डैम सिस्टम का। देखो ये क्वेश्चन जो है ना 2018 का मेंस में, इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस में 10 मार्क्स में पूछा था कि डिराइव द रिलेशन ऑफ द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम फॉर अंडर डैम सिस्टम, क्लियर। चलिए तो यहां पर हम क्या मान लिया, आर एस आपका 1/s हो गया, यूनिट स्टेप है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए तो ये आ गया 1/s माइनस एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन अपॉन दिस वन। अब देखो ध्यान से इसको क्या कर रहे हैं, 2 जीटा ओमेगा को लिख सकते हैं जीटा ओमेगा एन प्लस जीटा ओमेगा एन, फिर अलग अलग इसको डिवाइड कर दिए और इसको हम कन्वर्ट कर दिए एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर, वेयर ओमेगा डी क्या है आपको ऑलरेडी पता है, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अच्छा कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो इसको कैसे कन्वर्ट किए हैं, इसे एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, एड कीजिए जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट कीजिए जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर। ये देखिए ये क्या बन गया, एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर, इसको यहाँ पर ये और ये इसको ले गए एक साइड तो ओमेगा एन स्क्वायर 1 माइनस जीटा स्क्वायर और इसी को बोल दिया हम ओमेगा डी स्क्वायर, क्लियर है। चलिए तो ये क्या बनेगा, इसका इनवर्स क्या बनेगा, ई रेज़ टू पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी कॉस ऑफ ओमेगा डी टी प्लस जीटा ओमेगा एन, ओमेगा डी से डिवाइड कर दिया तो ओमेगा डी से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सो जीटा ओमेगा एन अपॉन ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, सो ई रेज़ टू पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी इंटू साइन ओमेगा डी टी। चलिए ओमेगा एन कैंसिल, है ना, ओमेगा एन से ओमेगा एन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। चलिए अब यहां पर देखिए सी टी को क्या लिखेंगे हम,
वहां पर जो वैल्यू था आपका इसको सॉल्व कर दिया है तो ये अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर नीचे आ गया। अब अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं हम साइन फाइव, क्योंकि ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बताया हुआ कैसे आएगा, या पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे तो उसमें जाके देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से करवाया हुआ है। जीटा को बोलेंगे हम कॉस फाइव, अब ये बन गया आपका साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस बी इंटू साइन ए के फॉर्म में। सो सी टी इक्वल टू वन माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर साइन फाइव इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी। सो दिस इज साइन ए प्लस बी, सो दिस बिकम साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव, क्लियर है क्या। चलिए अब ये जो ग्राफ है इसका ग्राफ कैसा बनेगा इसके बारे में हम बात करते हैं, इसका ग्राफ कैसा। चलिए यहाँ पर देखिए ये ग्राफ था आपका CT equal to 1 minus e raise to power minus zeta omega n t under root 1 minus zeta square sin omega dt plus 5। अगर t का वैल्यू आप 0 पुट करते हैं, इफ यू पुट द t equal to 0 then this becomes sin 5, so sin 5 equal to under root 1 minus zeta square, so this is 1 minus under root 1 minus zeta square, this is 1 minus zeta square, so ये कट गया आपका वैल्यू t equal to 0 पे this is 1, so 1 minus 1 equal to कितना 0, so c of 0 equal to 0, so t equal to infinite, t equal to infinite जब पुट करेंगे आप C का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट पे कितना वैल्यू होगा इसका जीरो होगा, वन माइनस जीरो इक्वल टू वन, सो वन माइनस जीरो इक्वल टू वन, एट टी टेन टू इनफाइनाइट इक्वल टू वन, टी इक्वल टू जीरो पे कितना लिया जीरो। देखिए ये डिकेइंग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल के साथ साइनसोइडल है, मतलब डिके तो करेगा लेकिन धीरे धीरे डिके करेगा। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है बोवर, ये क्वेश्चन आप हमेशा याद रखना, ये एज ए फॉर्मूला इसको आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आते हैं, डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आपके आएंगे सर, ठीक है। अब आता है यहाँ पे कि ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पीक ओवरशूट क्या है, पीक अंडरशूट क्या है, सेटलिंग टाइम क्या है, पीक टाइम क्या है, इस मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द पीक टाइम, व्हाट इज द सेटलिंग टाइम, व्हाट इज द सी मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज द पीक ओवरशूट, इसका हम डेरिवेशन अच्छे से देखते हैं, क्लियर है क्या। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे कि मैक्सिमम पीक टाइम क्या है, द टाइम टेकन बाय द आउटपुट एट विच मैक्सिमा इज एग्जिस्ट दैट इज कॉल्ड पीक टाइम, क्या बोलेंगे इसको हम पीक टाइम। चलिए तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते हैं आप, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो dct अपॉन dt को जीरो कीजिए, वहां से फंक्शन आ जाएगा tp इक्वल टू n पाई अपॉन ओमेगा t। चलिए अब n का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू क्या पुट करेंगे सर आप, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से पुट करते चले जाएंगे। तो यहां पर देखिए एन का पहला वैल्यू ओवरशूट अंडरशूट ओवरशूट अंडरशूट ओवरशूट अंडरशूट ऐसा मिलता चला जा रहा है, मतलब एन का अगर हम इफ वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑड वैल्यूज फॉर एन इक्वल टू ऑड वैल्यूज एन 1 3 5 7 फॉर द ऑड वैल्यूज देयर इज अ पीक ओवरशूट एग्जिस्ट एंड फॉर इवन वैल्यू क्या एग्जिस्ट करेगा अंडरशूट एग्जिस्ट करेगा। तो अभी जो है इस बार 2020 में 2020 इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन आया था कि सेकंड अंडरशूट का पीक टाइम कितना होगा, तो बताइए सेकंड अंडरशूट का पीक टाइम कितना होगा, पीक टाइम सेकंड अंडरशूट फर्स्ट अंडरशूट 2π/ωt, सेकंड अंडरशूट 4π/ωt, राइट। ये देखिए वहां पे जो है एन का वैल्यू 2 पुट कर दिए, गलत हो जाएंगे आपके बॉस, है ना। यहां पर जो है वो पीक ओवरशूट और पीक अंडरशूट की वैल्यू जो है डिपेंड करेगी ऑड और इवन वैल्यूज पे, क्यों, चूंकि एक बार ओवरशूट मिल रहा है फिर आपका क्या मिल रहा है अंडरशूट मिल रहा है। चलिए आगे देखेंगे हम कि सेटलिंग टाइम क्या है, व्हाट इज द सेटलिंग टाइम, सेटलिंग टाइम वो टाइम है जहां पे वो विद इन द टॉलरेंस लिमिट ग्राफ मेरा लाइक करना स्टार्ट करता है, दैट इज कॉल्ड सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम ऑल्सो डिफाइन द बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम, सेटलिंग टाइम हमेशा जो है एक बैंडविड्थ को भी डिफाइन करेगा, स्पीड को भी डिफाइंड करेगा। सो सेटलिंग टाइम मतलब कितना टाइम में वो सेटल डाउन हो गया, दैट टाइम इज कॉल्ड सेटलिंग टाइम। सो जनरली वी टेक 2% टॉलरेंस और 5% टॉलरेंस, इसलिए आप जब बुक में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा रहता है कि 2% टॉलरेंस लिमिट 4π/ωn, 5% टॉलरेंस लिमिट 3π/ωn, भैया लेकिन 6% बोल दे तो कैसे निकालेंगे, जनरली लोग यही रटते हैं कि भैया 2% 4π/ωn, बट कैसे, हाउ, क्यों, कैसे आएगा ये, इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे आपको पता है दोस्त सीटी क्या था, 1 माइनस जीटा ओमेगा एन टी अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस 5, यही था। अब बताओ इसमें कौन सा आत्मा है भैया जो क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड को डिके कर रहा है, यही है, यही वो टर्म है जिसके कारण मल्टीप्लाई होने से
आपका जो टर्म है वो डिके होना स्टार्ट कर रहा है, डिक्रीज करना स्टार्ट कर रहा है. इट मींस इफ e रिस्ट टू पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी एट टी इक्वल टू टी एस दैट टाइम इज कॉल्ड सेकंड टाइम. अगर इसका मैग्नीट्यूड हम 2% के इक्वल कर दें तो यहां से जो टी एस आएगा इसको हम बोलेंगे 4/g/ω. यह आएगा एग्जैक्टली 3.96. आप दोनों साइड एल एन ले लेना, 3.96 आएगा, लेकिन एग्जैक्टली मान के चलते हैं 4. ऐसे पूछता 5% टॉलरेंस लिमिट, कुछ नहीं करना है भैया, माइनस जीटा ओमेगा एंड टी एस इक्वल टू 5%. एनी परसेंट टॉलरेंस लिमिट 0 g/ω एंड टी एस इक्वल टू x% टॉलरेंस लिमिट दैट टाइम इज कॉल्ड सेटलिंग टाइम. क्या बोलेंगे इसको हम? सेटलिंग टाइम. क्लियर है क्या? अब आता है कि भैया पीक ओवर शूट क्या है, अब पीक अंडर शूट क्या है, इसके बारे में देखते हैं. चलिए अब सी मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी. सी मैक्स चलिए अब टीपी जो वैल्यू आया था एन पाई बाय ओमेगा डी आया था, इसको वैल्यू को आप सीटी में पुट कीजिए तो वहां से सी मैक्सिमम की वैल्यू मिल जाएगी 1+e^(n)π 1√(1−j^2). पीक ओवरशूट क्या है, ये एमपी कितना होगा, सी मैक्स है, ये की वैल्यू कितनी है, सी इनफाइनाइट है. सो एमपी इक्वल टू सी मैक्स माइनस सी इनफाइनाइट अपॉन सी इनफाइनाइट इनटू 100% कर दोगे तो ये परसेंटेज में आपका दे देगा, क्या दे देगा आपका, ये पीक ओवरशूट. क्लियर है क्या? तो पीक ओवरशूट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्त, इसको पुट कीजिए, इसको पुट कीजिए यहां पर सी इनफाइनाइट का वैल्यू 1, ये 1 पुट करेंगे तो 1 से 1 खत्म. सो पीक ओवरशूट बनेगा आपका एमपी इक्वल टू e^(g/nπ) √(1−j^2). सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पीक ओवरशूट एंड पीक अंडरशूट. बी केयरफुल, यहाँ पर पीक ओवरशूट भी निकाल सकते हैं और पीक अंडरशूट भी निकाल सकते हैं. क्लियर है क्या? अब एक क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन बताता हूँ आपको, जो जनरली अच्छा क्वेश्चन अगर बनाया तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा आपसे. क्या पूछेगा क्वेश्चन, वो देखिए क्वेश्चन ये पूछेगा कि कितना नंबर ऑफ साइकिल बिफोर सेटिंग टाइम ये ऑसिलेट किया. हाउ मेनी नंबर ऑफ साइकल्स बिफोर सेटलिंग टाइम, बिफोर सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम के पहले कितना नंबर ऑफ साइकिल आपका ऑसिलेट किया है. तो मान लिया एन नंबर ऑफ साइकिल, कितना नंबर ऑफ साइकिल है, एन नंबर ऑफ साइकिल से, और अगर ये ऑसिलेट किया है तो अपने टाइम पीरियड से ऑसिलेट किया होगा, और टाइम पीरियड किसके रेस्पेक्ट में, डैम्पिंग के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आपको पता है डैम्पिंग के कारण मैग्नीट्यूड आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है. सो एन इंटू 2π/ω d इज इक्वल टू, एन इंटू 2π/ω d इज इक्वल टू कितना सेटलिंग टाइम, टी एस की इक्वल कर देंगे. यहां से जो एन की इंटीजर वैल्यू होगी वही कहलाएगा आपका नंबर ऑफ साइकल्स बिफोर सेटलिंग टाइम. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स में आते हैं, मेंस में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, गेट में भी आ सकते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस. ध्यान रखना मैं अपने यूट्यूब चैनल में हमेशा मैं टारगेट रखा हूँ यूपीएससी को. अगर आप यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं तो सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी आपको काम आएगा. बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, बीपीएससी के मेंस में भी आपको जो है, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रख करके अगर आप दे रहे हैं तो आपके ऑप्शनल पेपर अगर आप दे रहे हैं वहां पे भी कंट्रोल सिस्टम पूरा काम आएगा दोस्त. इसलिए मेरे वीडियो लेक्चर को आप जो है ज्यादा से ज्यादा जो है अच्छे तरीके से कहीं स्केप करके ना देखें कभी भी नहीं, क्योंकि पूरे के पूरे निचोड़ डालकर यहां दे रहा हूं मैं. यहाँ पे पूरे निचोड़ है आपका गेट का, इंजीनियरिंग सर्विसेज का, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, बीपीएससी का, जेपीएससी का, और रिलेटेड जितने भी आपके स्टेट सिविल सर्विसेज का भी एग्जाम दे रहे हैं. अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और अगर कंट्रोल सिस्टम का कहीं से भी क्वेश्चन आया तो आपसे बनेगा दोस्त. क्लियर है क्या? पूरा डेप्थ में क्वेश्चन भी करवाएंगे, पूरा डेप्थ में आप टेंशन नहीं लेना है. सो दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ साइकल्स बिफोर सेटिंग टाइम, बिफोर सेटिंग टाइम. क्लियर है क्या? अब आता है मुद्दा कि सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे, है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा होगा. तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड कैसा बनेगा आपका, पीक ओवरशूट, पीक अंडरशूट, टीपी वन, टीपी टू, टीपी थ्री. कभी कभी क्वेश्चन ऐसा कहेगा कि एक सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का टाइम कितना होगा, तो निकाल लो टीपी वन ये हो गया, टीपी टू ये हो गया, तो टी इक्वल टू टीपी टू माइनस टीपी वन, राइट. टीपी टू कितना, 2π/ω d, टीपी वन कितना, 5π/ω d, राइट.
तो इस तरह से हम सक्सेसिव डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, आज हम इतना ही रखते हैं, है ना। ये आपका सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का डेरिवेशन वगैरह करवा दिया, अब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे आगे, ठीक है। चलिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्त, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप जितना मोटिवेट करेंगे मुझे, मैं अभी जो है अपनी क्रूशियल टाइम को भी निकाल के मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। क्यों? चूंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया है कि सर मुझे आपसे जुड़े रहने में बड़ा अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने जो है यूट्यूब चैनल खोला ताकि आप जुड़े रहे अच्छे तरीके से मुझसे। मैं आऊंगा, मैं जरूर बैक आऊंगा आफ्टर माय एग्जाम। थैंक यू सो मच।